दोस्तों स्वागत है डिजिटल एजुकेशन के फर्स्ट एपिसोड में। हमारा ये प्रयास है पहली बार कि हम हिंदी में भी हमारे सारे एपिसोड्स को आप सबके बीच लाएं। इसी प्रयास के तहत डिजिटल एजुकेशन के सारे एपिसोड्स अब हिंदी में भी दिखाए जाएंगे। डिजिटल एजुकेशन के बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो हमारे दिमाग पे पहली चीज़ क्या आती है, कंप्यूटर्स आती है, कैमराज आती हैं, डिजिटल सेटअप बॉक्स आती हैं और प्रोजेक्टर्स आती हैं। इस तरह की विभिन्न तरह की जो तकनीकी सामान होते हैं वो सारे इक्विपमेंट्स हमारे दिमाग में आता है जब डिजिटल एजुकेशन के बारे में हमसे कोई कहता है तो। लेकिन वाकई डिजिटल एजुकेशन क्या मात्र इन कंप्यूटर्स और कैमरा के बीच में है या इनसे ज़्यादा है? आज के इस एपिसोड में हम एक इंट्रोडक्शन के लिए जानेंगे कि डिजिटल एजुकेशन वाकई में है क्या। डिजिटल एजुकेशन जो है वो मात्र ये कंप्यूटर और कैमरा नहीं है बल्कि इससे बढ़कर है। डिजिटल एजुकेशन को तीन भागों में बांटा गया है, उसके तीन मुख्य तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। पहला जो है वो तकनीकी है, दूसरा जो है वो डिजिटल कंटेंट्स है, यानी डिजिटल जो कंटेंट होता वो है, और तीसरा जो है वो इंस्ट्रक्शन या पढ़ाने वाले लोग हैं। ये तीन लोग मिलके डिजिटल एजुकेशन आपके सामने या स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करते हैं। डिजिटल एजुकेशन एक कंप्लीट सिस्टम है जिसके अंदर पर तकनीकी, डिजिटल कंटेंट और इंस्ट्रक्टर्स तीनों एक साथ काम करते हैं। अब ये कैसे काम करते हैं इसका एक मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। तकनीकी के रूप में यदि आप लेंगे तो इस तरह के लैपटॉप्स, प्रोजेक्टर्स, 3D होलोग्राम प्रोसेसेस, इस तरह की जो नवीनतम तकनीकी हैं जो इस समय स्कूल जगत पे या यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो इस्तेमाल की जा रही हैं, ये सब तकनीकी के अंदर में आते हैं और इनका उपयोग किया जाता है एक इंफॉर्मेशन को या एक नॉलेज को, ज्ञान को एक जगह से दूसरा जगह में ले जाने के लिए, यानी कि एक सोर्स से स्टूडेंट तक ले जाने के लिए इन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। ये तकनीक कुछ भी हो सकते हैं, ये नॉर्मल एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी हो सकता है और मल्टीमीडिया, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। ये एक सामान्य लैपटॉप भी हो सकता है और एक हाई एडवांस्ड कंप्यूटर्स भी हो सकता है। तो इन तकनीकी के माध्यम से डिजिटल एजुकेशन का ये पहला एलिमेंट है जिसके माध्यम से डिजिटल एजुकेशन को कंप्लीट किया जाता है स्टूडेंट के पास। सेकेंड जो है वो डिजिटल कंटेंट, यानी क्या पढ़ाया जाए, क्या इंफॉर्मेशन दिया जाए, किस प्लेटफॉर्म में दिया जाए, कैसे दिया जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि अच्छी क्वालिटी के कंटेंट्स नहीं होंगे ऑनलाइन तो इसका फायदा स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। तो डिजिटल कंटेंट इस तरह से बनाया जाता है कि उसका मैक्सिमम फायदा स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। अभी डिजिटल कंटेंट PDF फॉर्म में भी हो सकता है, वर्ड्स फॉर्म में भी हो सकता है, ये PPT फॉर्म में भी हो सकता है और ये इस एक सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकता है। जैसे हम लोग अकाउंट्स का एक टैली सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या हम लोग एक मोबाइल ऐप यूज करते हैं जिसके थ्रू हम लोग लर्निंग करते हैं, तो किसी भी स्वरूप में ये डिजिटल कंटेंट हो सकता है कंटेंट। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि ठीक है तकनीकी है, डिजिटल कंटेंट है, अब इसको हैंडल कौन करेगा? तो इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, जो ट्रेंड क्वालिटी टीचर्स होते हैं जिनके पास में इसकी सारी जानकारी होती है, ये इस पूरे सिस्टम को मैनेज करते हैं और इनके माध्यम से जो है वो सारा कंटेंट जो है वो एकदम अच्छे से एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो ये जो डिजिटल कंटेंट है इसको पहुंचाने के लिए ऐसे तेज लोगों की आवश्यकता पड़ती है, यानी तकनीकी होने के बाद ऐसा नहीं है कि इंसान हट गए हैं, डिजिटल एजुकेशन में इंसान थे, हैं और रहेंगे। और ये जो ये एक्सपर्ट्स जो हैं इनका केवल इतना काम होगा इस पूरे सिस्टम को हैंडल करना। तो बेसिकली डिजिटल एजुकेशन जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में है उसमें ये तीन ही एलिमेंट काम करते हैं। अब ये डिजिटल एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है, तो इसके लिए बेसिकली चार चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वन है T एंड 3 P, समय, T फॉर टाइम एंड समय, स्थान, गति और रास्ते, मार्ग। यानी समय, यदि हम रेगुलर क्लासरूम को देखते हैं, एक नॉर्मल स्कूल्स को देखते हैं, तो स्टडी कब होती है, क्लासरूम की आवाज़ 8 बजे से लेकर 4 बजे तक है या 3 बजे तक है, तो उसी दौरान पढ़ाई लिखाई किया जाता है स्टूडेंट्स को, उसके बाद कोचिंग वगैरह हुआ तो उसमें समय दिया जाता है। लेकिन यदि डिजिटल एजुकेशन का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए तो कोई भी समय वो कभी भी उसको पढ़ सकते हैं, उससे रिसोर्स ले सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। सेकेंड आता है स्थान,
तो क्लासरूम के अंदर ही पढ़ सकते हैं या कोचिंग सेंटर के अंदर ही पढ़ सकते हैं, या मैक्सिमम यदि अपने घर में गए तो जो उनका स्टडी पॉइंट है, स्टडी का जगह है, वहां पे पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि डिजिटल एजुकेशन है तो लैपटॉप के सहारे, टैबलेट के सहारे वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, वो पार्क में गए वहां भी पढ़ सकते हैं, यदि वो हॉलीडे में है तो वहां भी पढ़ सकते हैं, यदि वो कोई अपने स्टेशन के बाहर भी जा रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक फ्रीडम मिल जाता है उनको कहीं भी कोई भी चीज पढ़ने का, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिलता है। तीसरा ये है कि जिस तरह की सिस्टम्स को टीचर्स यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम मेरे को हेल्पफुल हो, नहीं भी हो सकता है, बिकॉज उससे बेहतर सिस्टम्स भी हैं जिसको पेडागॉजी बोलते हैं हम लोग, एक सिस्टम बोलते हैं, मेथडोलॉजी बोलते हैं, जिसके द्वारा टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। ये डिजिटल एजुकेशन है तो मैं बेहतर प्रणाली को भी का भी उपयोग कर सकता हूँ, एज ए स्टूडेंट कर सकता हूँ, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फोर्थ जो है वो है कि किस गति से एक टीचर क्लास को पढ़ा रहा है। यदि एक हाई आईक्यू का बच्चा है या स्टूडेंट है तो वो बेहतर वो सारी चीजों को और जल्दी से वो कर सकेगा। तो यदि उसका पेस, यदि क्लास का पेस स्लो है, यानी गति स्लो है पढ़ाने का, तो ही विल फील लाइक कि चलो ठीक है भाई, कहीं और इसको देखते हैं कि कहीं इंफॉर्मेशन मिल जाए। डिजिटल एजुकेशन के द्वारा कम से कम वो चीज संभव है कि एक तेज बच्चा जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसके द्वारा अपना नॉलेज को बढ़ा सकता है और वेल इन्फॉर्म्ड हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये बेसिक मैंने जो बताया, ये बेसिक है डिजिटल एजुकेशन के बारे में। अगले एपिसोड्स में जो नई तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, उसके बारे में बताएंगे, केस स्टडी की तरह बताएंगे, जिसमें आपको ये मालूम चलेगा कि किस तरह के तकनीकी का इस्तेमाल अभी विश्व में बड़े बड़े स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में किया जा रहा है, क्या उसका उपयोग हमारे स्कूल में भी किया जा सकता है। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं या टीचर्स हैं या स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या उन तक आप उनको पहुंचा सके, तो मैं उनको भी बताऊंगा केस स्टडीज के साथ कि क्या नई तकनीकों को हम अपने स्कूल्स में अपना सकते हैं, किसको नहीं अपना सकते हैं, कौन से तकनीकी हैं जो विफल रहे हैं, कौन से तकनीकी अभी तक सफल रहे हैं, इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल अभी इस एपिसोड्स में एक इंट्रोडक्शन दे के ही फिलहाल आप लोगों का एक इंटरेस्ट जगाना हमारा मकसद है, लेकिन नए एपिसोड्स में नए इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। यदि आपको पसंद आए तो हमारे इंकरेजमेंट के लिए आप इसको लाइक करें, शेयर करें, हमें हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम एक बार फिर नेक्स्ट वेंसडे आएंगे एक नए वीडियो, एक नए केस स्टडीज के साथ, जहां पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह बेहतर तकनीकी के साथ आप अपने बच्चों को बढ़िया से शिक्षा दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।